नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट टुडे पे। दोस्तों आज मैं अपनी एक स्ट्रेटजी जो मैंने हिंदुस्तान लीवर शेयर में बाय करते वक्त इस्तेमाल की थी वो आपके सामने रख रहा हूँ। ये वो स्ट्रेटजी है जो बहुत कॉमन है मेरी और जो मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताई है, पर शायद आपने उसको सीरियसली नहीं लिया होगा। दोस्तों देखो, एक कहावत है कि जब तक किसी चीज़ का दाम नहीं देते आप तो उसके लिए सीरियस नहीं होते, पर फिर भी मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से अपने चैनल के ऊपर मैं एक नहीं कई बार वो स्ट्रेटजी रिलायंस के ऊपर टेस्ट करके आपको दी है, पर शायद आपने उसको सीरियस नहीं लिया होगा। दोस्तों न्यूज़ को देखने के साथ साथ में आपको अपने टेक्निकल्स को देखना बहुत ज़रूरी है, आपकी ऑप्शन चेन को देखना बहुत ज़रूरी है और साथ में ये समझ का आना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, किस स्टॉक में काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। नंबर वन प्रॉब्लम होती है कि हम स्टॉक सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। स्टॉक सिलेक्शन के आपके बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं, मेरा अपना क्राइटेरिया है जो मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं। अब बहुत सारे लोग इस वीडियो पे आएंगे, ट्रोलिंग करेंगे, देखो कोर्स बेच रहा है, कोर्स बेच रहा है। दोस्तों कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, और हाँ अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसमें हर्ज क्या है, मैं सिखाता हूँ, आप सीखते हैं, ठीक है। चलिए सीखने सिखाने का सिलसिला बाद में करेंगे, अभी हम बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर के उस ट्रेड की जो हमने ऐसे समय पर ट्रेड किया जहां पूरी दुनिया ये घबराई हुई थी कि बाजार में क्या होने वाला है, हमें खरीदना चाहिए बेचना चाहिए, क्योंकि जगह जगह से न्यूज आ रही थी, मनी कंट्रोल के ऊपर न्यूज थी, जगह न्यूज मीडिया पे न्यूज थी कि हिंदुस्तान लीवर में से ग्लैक्सो स्मिथ लाइन जीएसके और हॉर्लिक्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। दोस्तों जब भी एक ऐसी न्यूज आती है आम इंसान के सामने कि कोई कंपनी अपना स्टेक इसमें से बेच रही है किसी और कंपनी में से, तो ऐसी न्यूज समझ में आती है कि शायद उसको वो कंपनी खराब लग रही है इसलिए उसमें से निकला जा रहा है। और जहां की हिंदुस्तान लीवर का स्टॉक 2600 रुपए से गिरते गिरते 1900 रुपए के आसपास आ गया था, वहां पे लोगों को बहुत क्लियर था बॉस अगर बड़ी बड़े दिग्गज कंपनीज अगर अपना स्टेक बेच रही हैं तो अभी कुछ खराबी बाकी है। दोस्तों ऐसी न्यूज में से ही आपको अपॉर्चुनिटी तलाश करनी होती है। आइए चलिए अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि हमने यहां पे एक अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश की। दोस्तों मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे पहले मैंने टेलीग्राम खोल के रखा है, अपना ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, देखिए इसमें कुछ 8400 लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे कल की न्यूज़ है दोस्तों, May 7 की, बड़ा ध्यान से देखिएगा, May 7 को हमने 11:15 पे मैंने बहुत क्लियरली बोला हिंदुस्तान यूनिलीवर, वहीं 2 मिनट के बाद मैंने क्लियरली बोला कीप अ क्लोज आई, ह्यूज डिलीवरी एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम टुडे, 83% डिलीवरी वॉल्यूम, 83% डिलीवरी वॉल्यूम इसमें चल रही थी कल की डेट में। दोस्तों ये बहुत ही रडार पे था, बहुत लोगों को उसकी न्यूज़ भी नहीं मालूम थी, स्टॉक सिर्फ 1.5% के आसपास गिरा हुआ था कल के सेशन में। और वहां जब स्टॉक कोई गिरा होता है, गिरे स्टॉक में बाय करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। मैंने ऑप्शन चेन को स्टडी किया, मैंने वहां पे अपने डेटा एनालिसिस किए, अपना चार्ट एनालिसिस किया, सब कुछ करने के बाद मुझे लगा कि ये स्टॉक बताने वाला है, लोगों को जरूर बताना चाहिए, ये जनरल पब्लिक को मैंने बताया था। और उसके बाद मैं साथ साथ में मेरा स्टूडेंट ग्रुप है, स्टूडेंट ग्रुप में भी मैंने कल इसको बताया था, मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस डालता रहता हूँ। देखिए ये वही 11 बज के आसपास का है, और उसके बाद में मैंने लिखा बिग हैंड्स आर चेंजिंग हैंड्स, मतलब कुछ अदला बदली हो रही है, ब्लॉक डील्स हो रही है। वहीं जब NSE की साइड से हमें पता लगा कि हाँ ये तो ब्लॉक डील हुई है, किसी को नहीं मालूम था, हम इसको स्टडी कर चुके थे, और यहाँ पे निकल के आया था कि GSK हॉर्लिक्स टू सेल HUL शेयर्स वर्थ ₹26,000 करोड़ रुपए। अब दोस्तों समझने वाली बात है, कल की एक न्यूज थी, कल का आंकड़ा था कि FIIs ने बाजार में बहुत जबरदस्त खरीदारी की है। दोस्तों खरीदारी कहां थी, वो खरीदारी थी हिंदुस्तान लीवर की डिलीवरी। जब GSK और हॉर्लिक्स अपना माल बेच रहे थे उनको कौन खरीद रहा था, उनको FIIs खरीद रहे, लोगों लगा बाजार में बाइंग आ गई। ये बाजार का जो आंकड़ा है FIIs की नेकेड बाइंग को देख के हम समझ जाते हैं अरे अरे बाइंग आ गई। बहुत सारे आंकड़े देखने होते हैं, बाजार को स्टडी करना होता है, ऑप्शन चेन के बिना तो कुछ भी करना मुश्किल है, मेरा तो खाना भी हजम नहीं होता ऑप्शन चेन के बिना। अब समझने की कोशिश करते हैं आज की न्यूज स्क्रीन पे आपके आ रही होगी, HUL सर्जेस 4% आफ्टर सोसाइटी जनरली बाइज 129 मिलियन शेयर्स वाय बल्क। कल किसी ने बेचा, आज कोई और खरीद रहा है, मतलब ये गेम क्या है दोस्तों, आप समझिए। मैं हमेशा आपको स्टॉक मार्केट के उस सीक्रेट को सिंपलिसिटी में बताता हूं कि अगर कोई बेच रहा है तो कोई तो खरीद रहा है, अगर कोई खरीद रहा है तो समझ के देखिए कि उस बाजार में उस स्टॉक में अभी कोई जान बाकी है। अगर माल पब्लिक को पागल बना के छोड़ दिया जाए, स्पेशली फ्यूचर ऑप्शंस के जो शेयर्स होते हैं वहां पे जो सेलिंग होती है, जब हैंड्स चेंज होते हैं वहां पे एक पर्पस होता है, ठीक है, वो पर्पस बहुत क्लियर होता है कि जनता को नहीं समझ में आता वो पर्पस, बट बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े जो स्मार्ट मनी जैसे कहते हैं फॉरन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े प्रमोटर्स होते हैं, वो अपने गेम को इधर से उधर करते हैं। यहाँ पे गेम हुआ हिंदुस्तान लीवर के शेयर्स को किसी ने बेचा, किसी ने खरीदा, यहां पे गेम क्या बनने वाला था। चलिए हमको तो ट्रेडिंग करनी थी, हमें इसमें अपॉर्चुनिटी तलाश करनी थी, हमें देखना था कि यहां पे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि नहीं मिल रही। अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने चार्टिंग स्क्रीन के ऊपर, जो ज़ीरोधा का टर्मिनल है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। मैंने ज़ीरोधा के टर्मिनल पे बहुत पुराना सिर्फ चार्टिंग के लिए यूज करता हूं, कोई ट्रेडिंग वेडिंग यहां नहीं करता हूं, क्योंकि ज़ीरोधा में बहुत इश्यूज रहते हैं, आप चार्ट कहीं भी लगा सकते हैं। दोस्तों ये मेरा बहुत क्लियर सेटअप है, आपको मैंने पहले भी बताया, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, ये वो सिंपल सेटअप है, जो क्लास नहीं अटेंड कर सकते मत कीजिए, यहां भी पैसे बनाइए, आपको लगता है प्रोफेशनल सीखना है ऑप्शन चेन को और डिटेल में सीखना है, आप आइए क्लास में, आपका स्वागत है। बट अगर आपको नहीं आना है कोई बात नहीं, ये चार्ट आपके काम आएगा।
यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये जो कैंडल थी सुबह 9:15 बजे के आसपास में सबसे बड़ी कैंडल थी और जबरदस्त वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम बार मैंने लगाई, देखिए इतनी जबरदस्त सेलिंग हुई। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में भी सेलिंग थी और स्टॉक ने 1902 के आसपास का लो कल लगा दिया था। यहाँ पे हमें ये स्टॉक को पकड़ने में थोड़ा सा टाइम दिलवा, क्योंकि 9:15 बजे की पोजीशन थी, हम उतना कुछ ट्रैक नहीं कर पाए थे, बट देर आए दुरुस्त आए अगर हम फिर भी चाल में बैठ पाए। देखिए बिल्कुल टॉप और बिल्कुल बॉटम तो जिंदगी में कोई नहीं पकड़ सकता, बट अगर नियर टू टॉप नियर टू बॉटम आप काम कर पाए तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। अब समझने की कोशिश करते हैं हमने स्टॉक में क्या किया। हमने अपने 5, 8, 13 की 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसके ऊपर लगा के रखी हुई थी बहुत सिंपल तरीके से। यहाँ पे हमें एक ट्रिगर मिलता है बहुत क्लियरली 1982 के आसपास 3 बजे के आसपास में। उससे पहले जब मैंने लोगों को 11 बजे मैसेज किया, देखिए 11 बजे का जो मैसेज था वो ये था, 11:45 बजे के आसपास में जब मुझे लगा एक डिसाइसिव सा मूव आने लगा, हेकेनेशी कैंडल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है सब जानते हैं, जब आपको हायर हाई बनने लगे हेकेनेशी कैंडल्स में तो एक ट्रेंड क्लियर सा दिखने लगता है जो नॉर्मल कैंडल्स में आपको नहीं दिखता है। यहाँ देखने की कोशिश कीजिए 11:45 बजे की कैंडल और 11:45 बजे की कैंडल के बाद में एक हायर हाई का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया लगातार 2-3 कैंडल्स में हेकेनेशी में, ये एक अच्छा खासा ट्रेंड क्लियर था। वहीं मैंने टेलीग्राम पे भी आपको जो मैंने न्यूज़ दिखाई वो 11:00 बजे के आसपास में मैंने आपको वो न्यूज़ फ्लोट की। जब ये देख लेते हैं दोबारा इसको, ये देखिए 11:15 मिनट 11:17 मिनट पे इसकी डिस्कशन स्टार्ट हुई कि यहाँ पे कुछ गेम बन रहा है, आप इसमें नज़र रखिए, इसमें बाय कर सकते हैं। और एक और बात, मैं जो लोगों को बोलता हूँ वो खुद करता हूँ, पहले खुद अपनी पोजीशंस बनाता हूँ उसके बाद ही लोगों को बोलता हूँ। मैं ऐसा हलवाई नहीं हूँ जो अपनी मिठाई खुद नहीं खाता, पहले मैं मिठाई अपनी खाता हूँ, जब मुझे लगता है मेरी मिठाई अच्छी बनी है तो लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब देखिए समझते हैं कि मैंने इसमें बाइंग की या नहीं की। आज के टेलीग्राम के ऊपर में अगर आप जाएंगे, आज मैंने फिर से अपना एक स्क्रीनशॉट डाला है दोस्तों, कल एग्जैक्टली 1980 के आसपास का भाव चल रहा था जब पब्लिक को ये बताया गया था 11:15 के आसपास में। दोबारा से इस ट्रेड को कंफर्म कर लेते हैं, ये 11:11 बजे के आसपास की कैंडल कौन सी है, ये देखिए 1991 का हाई था, 1968 का लो लगाने के बाद 1984 भी क्लोज हुआ था। 1980 के आसपास लोगों को बताया गया था कि यहाँ पे बाई कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को तो बहुत क्लियरली बता दिया गया था कि हाँ ये बाइंग कॉल है बहुत अच्छे से। यहाँ पे लोगों का फोन आने लगा, स्टॉक एकदम से लेते ही भागा। 1997 2007 के आसपास का ही लगा, लोगों ने बहुत फोन कर दिए सर क्या करें क्या करें, सर और ले लें क्या और बेच दें क्या। मैंने कहा यार जिसको प्रॉफिट बुक करना बुक कर लो, क्योंकि 1983 से लेकर 1997 2000 रुपये के आसपास में 15-16-17 रुपये का स्विंग प्रॉफिट इंट्राडे में बहुत है। आज जिन्होंने प्रॉफिट बुक करना था बुक कर लिया, पर जो सीरियस इन्वेस्टर्स थे जो डिलीवरी इन्वेस्टर्स, क्योंकि इसमें डिलीवरी बाइंग हो रही थी तो इसमें इंट्राडे करने का सीन ही नहीं बनता। जब डिलीवरी बाइंग 83% की डिलीवरी वॉल्यूम्स थी तो मैं इसको डिलीवरी के लिए प्रेफर किया। मैंने बिल्कुल अपनी कैपिटल के हिसाब से जो मुझे लगता था कि हाँ इसमें 8-10 लाख रुपए लगा देने चाहिए, तो 8-10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मैंने हिंदुस्तान लीवर के अंदर किया और ये आपके सामने था। कल की जो पोजीशन थी ये देख सकते हैं T1 और T2 यहां लिखा हुआ है, मतलब ट्रेडिंग 2, मतलब आज सेकंड ट्रेडिंग डे है, मतलब जो पोजीशंस कल लेके गया था आज भी पोजीशंस को लेके गया हूं। यहां पे इंट्राडे में कुछ 25,000 के आसपास का प्रॉफिट आ रहा था जब 2055 के आसपास चल रहा, मैंने पोजीशंस को बेचा नहीं है दोस्तों, अभी भी पोजीशंस कैरी हैं और शायद मैंने देखता हूँ कि दोबारा से पोस्ट किया कि नहीं किया। जी हाँ, ये मैंने पोजीशंस को वापस से आज पोस्ट किया था और ये पोजीशंस 2:45 बजे के आसपास की थी जब 2077 के आसपास का आई था, 2090 के आसपास की क्लोजिंग है, मैंने अभी तक हिंदुस्तान लीवर को बेचा नहीं है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल भी आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आप इस ट्रेड को खरीदें या बेचें, अपनी एनालिसिस करें उसके बाद ही ट्रेड लें। अब देखते हैं कि ट्रेडिंग सेटअप क्या करना है। ट्रेडिंग सेटअप के बाद देखिए 11:00 बजे के आसपास में जब हम हेकेनेशी को बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश की, तो हेकेनेशी ने हमें कहा बॉस यहाँ पे एक बड़ा अच्छा प्रॉफिट का ट्रेड अपने को मिल सकता है, हमने ट्रेडिंग की। और कुछ टाइम के बाद में दोस्तों शाम को 3:00 बजे के आसपास, कल का ट्रेड है, कल 3:00 बजे के आसपास में हमारे 5, 8, 13 का जो सेटअप था ये बिल्कुल क्लियरली बुलिश हो चुका था, हमें बुलिश ट्रेंड मिला और आज का ट्रेड आपके सामने दोस्तों, और अभी तक ये ट्रेड कैरी है। इस ट्रेड को समझने के लिए आपको अपनी एनालिसिस पे भरोसा करना होगा, आपको देखना होगा कि आप किस स्टॉक में काम कर रहे हैं, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं। हिंदुस्तान लीवर को दुनिया बेच रही थी, हमें लगा कि हमें ही बेच देना चाहिए, बहुत लोग इसमें बेच के बाहर हुए, पर जब कोई बड़े हाथ अपनी पोजीशंस चेंज कर रहे हो आपको देखना चाहिए इसकी डिलीवरी पोजीशंस क्या हैं। अगर आप इसमें ब्लॉक डील्स को देखें तो यहाँ क्लियर है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और हॉर्लिक्स ने अपना माल बेचा है और सोसाइटी जनरली ने कुछ पोजीशंस आज बनाई हैं, तो क्लियर है जब बड़े हाथ अपने बदल रहे होते हैं तो कुछ पर्पस के लिए बदल रहे होते हैं, तो आपको भी बड़े हाथ के साथ रहने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। स्पेशली हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी जो देश की दिग्गज कंपनी है उसमें तो आपको घबराना ही नहीं। FMCG सेक्टर की हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है और शायद हिंदुस्तान की 4थी या 5वीं बड़ी कंपनीज में से हिंदुस्तान लीवर का नाम आता है, तो इतनी बड़ी कंपनी में अगर कुछ गेम हो रहा है वो भी डिलीवरी बेस, तो कमाल है दोस्तों। अगर हम इसको आज देखने की कोशिश करें कि आज भी कुछ हुआ है क्या, ये आज का ट्रेड है दोस्तों, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं जरा। दोस्तों आज की क्लोजिंग 2089 के आसपास की है, 2089.45 की है और यहाँ अगर नीचे जाएंगे NSE सेट में सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस 8 मई, देखिए 8 मई की पोजीशन से बाजार बंद हो चुका है। यहाँ की आज की पोजीशंस भी 51% डिलीवरी हुई है दोस्तों, 51% डिलीवरी, शानदार डिलीवरी। कल भी 83% की डिलीवरी थी और लगातार 40-50% की डिलीवरी ये स्टॉक बना के रखा हुआ है, मतलब इस स्टॉक में डिलीवरी पोजीशंस पे
काम हो रहा था और डिलीवरी पोजीशंस पे जब कभी काम हो रहा होता है तो आप समझ के रखिए कोई बड़ा गेम होने वाला है। फिर आपको अपना चार्ट एनालिसिस और ऑप्शन चेन को साथ में शामिल करना होगा, वो आपको एक अच्छा खासा ट्रेड दे सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें ओवरनाइट 1980 से लेकर 2097 के आसपास में, मतलब 98 का हाई है, 2018 के आसपास बहुत जबरदस्त प्रॉफिट है दोस्तों। जो बुक करना चाहते हैं बुक कर सकते हैं, जो कैरी करना चाहते हैं हो सकता है ये टारगेट होता है 2300-2400 रुपए के आसपास चला जाए। देखने वाली बात है, आने वाला ट्रेड बताएगा, आने वाला मंडे बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। अभी मैं अपनी पोजीशंस को लेके गया हूं, हमें इसमें और प्रॉफिट बुक करना होगा तो और प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर लगता है कि आखिरी में बनी डॉजी कैंडल कुछ डाइसी हो सकती है तो हम यहां से अपना मिनिमम प्रॉफिट बुक करके बाहर जाएंगे, बट ये सब तय होगा मंडे को। अभी हाल फिलहाल ये पोजिशनल ट्रेड दोस्तों। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी ऐसी हिंट मिलती रहे तो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे मेरे नाम को, विपुल कौशिक, आपको मिल जाएगा। नहीं तो इस वीडियो में नीचे एक पट्टी चल रही है जिस पे टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा है और आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस पे क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए और इस पे देखिए क्या है। जितनी भी मेरी वीडियोस होती है सबसे पहले मैं यहां अपलोड करता हूं, सबसे पहले वीडियोस वहां जाती हैं। कोई भी अगर मुझे लगता है रिकमेंडेशन देनी है या मुझे लगता है कोई एडवाइस आपको देनी है तो एडवाइस में जरूर करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी आके दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी लेके आता रहूंगा। उसके लिए आपको इस वीडियो को अभी लाइक प्रेस कर देना है दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस रखिए ताकि सभी नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।